ओम शांति। आज हम फिर आपके सामने एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर आए हैं। यह अनुभव रमिंदर कौर का है, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं इन बहन का बाबा के साथ बहुत ही प्यारा अनुभव। रमिंदर गर्मियों की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ अपने बच्चों को लेकर घूमने गईं। एक दिन की बात है, उनके माता पिता जिस सोसाइटी में रहा करते थे, उस सोसाइटी के पार्क में बहुत भीड़ लगी हुई थी। यह देखकर रमिंदर भी नीचे पार्क में गईं कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने वहां जाकर देखा कि कुछ भाई बहन सफ़ेद कपड़ों में लोगों को कुछ समझा रहे हैं। रमिंदर उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगी। सफ़ेद कपड़ों में जो भाई बहन आए हुए थे, वो स्वर्ग के बारे में, 5000 वर्ष के बारे में और परमात्मा और आत्मा का ज्ञान बता रहे थे। रमिंदर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थीं। सफ़ेद कपड़े वाले वो भाई बहन कुछ देवी देवताओं के पोस्टर दिखा रहे थे, जो देखने में बिल्कुल ही अलग और बहुत सुंदर लग रहे थे। रमिंदर ने उनमें से एक भाई से कहा कि यह सब क्या है और इनका क्या मतलब है, आप कौन हैं और आप आखिर क्या समझा रहे हैं। तो उनमें से एक भाई ने युगों के बारे में उन्हें बताया, देवी देवताओं का ज्ञान दिया और आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। रमिंदर ने ये सब बातें पहली बार सुनी थी। यह सब बातें उन्हें सुनकर बहुत खुशी मिल रही थी। गर्मी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद रमिंदर वापस अपने ससुराल आ गईं और ससुराल आकर वो वापस अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में व्यस्त हो गईं। फिर एक दिन की बात है, रमिंदर टीवी देख रही थीं और संस्कार चैनल पर शिवानी बहन का कोई प्रोग्राम आ रहा था। वो उस प्रोग्राम को ध्यान से देखने और सुनने लगीं। शिवानी बहन की सादगी और उनके मीठे बोल उन्हें बहुत पसंद आए। वो शिवानी बहन का ये प्रोग्राम रोज़ टीवी पर देखने लगीं। एक दिन की बात है, शिवानी बहन अपने शो में बता रही थीं कि हम भगवान से मिल सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। रमिंदर उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गईं कि आखिर हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं। वो ये सोचने लगीं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम भगवान से मिल सकते हैं। उन्होंने टीवी पर चल रहे उस प्रोग्राम से फ़ोन नंबर लिया और उस नंबर पर कॉल किया, जो कि सीधा दिल्ली में लगा। दिल्ली में फ़ोन पर बात होने के बाद उन्हें लुधियाना के एक सेंटर का नंबर दिया गया और कहा गया कि वहाँ बात की जाए। रमिंदर ने लुधियाना के उस सेंटर में कॉल किया। सेंटर वाले भाई ने कहा, आपको सेंटर आना होगा और 7 दिन का कोर्स करना होगा, तभी आप इन बातों की गहराई समझ पाएंगी। रमिंदर इन सब बातों को सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रमिंदर के पति इन सब बातों को नहीं मानते थे। रमिंदर ने सेंटर वाले भाई से कहा कि उनके पति ये सब बातें नहीं मानते और शायद उन्हें सेंटर भी ना आने दें। सेंटर वाले भाई ने कहा, आप शिव बाबा से प्रार्थना कीजिए, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल ही देंगे। फ़ोन रखने के बाद रमिंदर घर की बालकनी में जाकर खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर शिव बाबा से प्रार्थना करने लगीं कि हे शिव बाबा, मुझे आपसे मिलना है। दोपहर का समय था, बहुत तेज़ धूप थी। रमिंदर ने बाबा से कहा, आसमान में बिजली की रोशनी दिखाओ बाबा, मुझे यकीन दिलाओ आप हो और मैं आपसे मिल सकती हूँ। इतना कहने की देर थी कि तभी आसमान में बिजली चमकी। कोई बादल नहीं थे, तेज़ धूप थी, पर बाबा ने इशारा दे दिया। रमिंदर इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। दोपहर का समय था, बच्चे स्कूल से लौटे। उन्होंने आकर बताया, मम्मा हमारा डांस कंपटीशन है और जो टीचर हमें डांस सिखाएंगी, उनका घर ब्रह्मा कुमारी सेंटर के बिल्कुल बगल में है। रमिंदर ने अपने पति से कहा कि आप रोज़ बच्चों को डांस क्लास छोड़ने जाओगे तो मुझे भी सेंटर छोड़ देना। सेंटर रमिंदर के घर से काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी बाबा ने साथ दिया। फिर क्या था, बच्चे डांस सीखने गए और रमिंदर सेंटर पहुंच गईं। यहां से उनका 7 दिवसीय कोर्स शुरू हुआ। परमात्मा और आत्मा का ज्ञान मिला। परमिंदर कहती हैं कि जिस शांति और प्यार को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो उन्हें इस सेंटर में आकर प्राप्त होने लगा। उन्होंने 7 दिन का कोर्स पूरा किया, योग करने लगीं, मुरली सुनने लगीं और इस तरह रमिंदर ज्ञान के मार्ग पर आ गईं। लेकिन तभी एक घटना घटी।
दिवाली के 20 दिन पहले रमिंदर के पति बालकनी में कुछ काम कर रहे थे और अचानक उनका पैर फिसला और वो बालकनी से नीचे गिर गए। रमिंदर उस वक्त योग में बैठी हुई थीं। उन्हें जैसे ही पता लगा वो भागकर अपने पति के पास नीचे गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त रमिंदर बाबा से बस एक ही बात कह रही थीं, बाबा इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक रहें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि इनकी काफ़ी हड्डियां टूट गई होंगी क्योंकि ये ऊंचाई से गिरे थे, इनका झटपट एक्सरे करवाओ। रमिंदर के पति का अंदर एक्सरे चल रहा था और रमिंदर बाहर बाबा से प्रार्थना कर रही थीं कि उनके पति को कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक रहें। कुछ देर के बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गए कि इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी रमिंदर के पति की कोई हड्डी नहीं टूटी थी, सिर्फ मामूली सा एक क्रैक आया था। फिर डॉक्टर ने कहा आप इन्हें घर ले जाइए और कम से कम 40 दिन तक इन्हें कहीं भी चलने फिरने ना दिया जाए और बर्फ़ से इनके पैरों की सिकाई की जाए। रमिंदर और उनके पति हॉस्पिटल से जब वापस घर आए तो उनका बेटा घर पर उदास बैठा था। रमिंदर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो बेटे ने कहा कि हम इस साल दिवाली कैसे मनाएंगे, पापा के तो चोट आ गई है। रमिंदर ने कहा अरे चिंता मत करो, दिवाली में तो अभी 20 दिन हैं, तुम देखते चलो, दिवाली पर पापा खुद छत पर जाएंगे और तुम्हारे साथ खूब पटाखे चलाएंगे। रमिंदर को बाबा पर पूरा भरोसा था। वो रोज़ बर्फ की पट्टी करने लगीं और उन्हें सकास देने लगीं। बस फिर क्या था, 15 दिनों में ही रमिंदर के पति पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए और अपने पैरों पर चलने लगे। रमिंदर अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास गईं और फिर से उनका एक्सरे करवाया गया। डॉक्टर बिल्कुल हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 15 दिनों में कोई कैसे स्वस्थ हो सकता है। डॉक्टर ने हंसते हुए रमिंदर से कहा लगता है भगवान से आपकी सीधी बात होती है, तभी तो आपने 40 दिन में ठीक होने वाले इंसान को 15 दिन में बिल्कुल ठीक कर दिया। रमिंदर कहती हैं दिवाली आई और उन सब ने बहुत अच्छे से खुशी से दिवाली मनाई। इतना ही नहीं, रमिंदर कहती हैं कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने मेडिटेशन के बाद खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए और खाना पानी को चार्ज करके खाने लगी और उनकी भी थायराइड पूरी तरीके से समाप्त हो गई। रमिंदर बताती हैं कि आज उनका पूरा परिवार बाबा को मानने लगा है और सभी बहुत खुशी से रहते हैं। अगर आपके पास भी अपना कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति।